नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेंडिंग ट्यूब में। दोस्तों मेरा नाम है मिश्रा और आज जो वीडियो है दोस्तों 3D व्हील अलाइनमेंट का वीडियो है, जहां पे कि मैं आपको बताऊंगा कि व्हील अलाइनमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों व्हील अलाइनमेंट के लिए हमें कुछ ऐसे कुछ मशीन चाहिए होगा। ये जो आदमी यहाँ पर कार का व्हील में जो फिट कर रहा है दोस्तों, ये है अलाइनर प्लेट है दोस्तों, उसमें पैनल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट एंड ब्लैक में जो पैनल लगा हुआ है। ऐसे अगर आप सामने वाला जो व्हील में आपको ऐसे फिट करना पड़ेगा, जो कि अलाइनर को चारों व्हील में चार अलग अलग अलाइनर फिट होंगे दोस्तों। और ये पहला व्हील, ये देखिए पीछे का व्हील में थोड़ा सा बड़ा जो कि पैनल रहता है, ताकि आपका जो मशीन रहता है जो कि आपका 3D व्हील अलाइनमेंट जो करता है, ये बेसिकली इंफ्रारेड के जरिए में होता है और या फिर आपका अल्ट्रासाउंड का रे में होता है। और ये जो पैनल देख रहे हैं दोस्तों, ये बेसिकली इंफ्रारेड पैनल है, जहाँ पे कि एक मशीन के जरिए में इसको कंट्रोल किया जाता है। ऊपर में इंफ्रारेड सिग्नल सेंड किया जाता है और इसको कंट्रोल किया जाता है। ये बेसिकली कंट्रोलिंग कंप्यूटर कंट्रोल 3D व्हील अलाइनमेंट है और इसको अच्छी तरह से व्हील के साथ फिट करना चाहिए पीछे की तरफ। और ये देखिए मशीन है दोस्तों, जिसका कि दो साइड में इंफ्रारेड का जो सिग्नल लगा हुआ है और यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्टेड है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के जरिए में व्हील का मेजरमेंट करेगा, पहले व्हील का डिस्टेंस देखेगा, या फिर अभी देखेंगे इसमें एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लोडेड है। ये देखिए ये मशीन है ATS का, और ये मशीन को पहले इस सॉफ्टवेयर को पहले आप रन करना पड़ेगा। जब ये चारों अलग अलग पैनल इंफ्रारेड से कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर दिखाता है कि आपका जो कि व्हील अलाइंड है कि नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ डिटेल एंटर करना चाहिए आपको सबसे पहले कि कौन सा गाड़ी है, और ये सारे स्टेप्स दिखाएगा और आपको एक पोजीशन पे जाके गाड़ी को रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको चार अलग अलग प्लेट जो पैनल मैंने बताया उसको फिट करना पड़ेगा चार अलग अलग व्हील्स में। और ये देखिए अभी सबसे पहला सेटिंग करने के बाद आपको और जो कि स्टेयरिंग है उसको आप थोड़ा सा मूवमेंट करना पड़ेगा। स्टेयरिंग मूवमेंट के बाद देखिए थोड़ा सा राइट साइड में अभी लेफ्ट साइड में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आपको स्टेयरिंग को लेफ्ट मूवमेंट करना पड़ेगा। स्टेयरिंग को पहले सीधा रखना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए -0.6 0.7 प्लस दिखा रहा है। देखिए अभी जो मैकेनिक है वो स्टेयरिंग को थोड़ा सा मूवमेंट कर रहे हैं ताकि इसको अलाइन कर सके। पहला स्टेयरिंग अलाइनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार स्टेयरिंग कम्प्लीटली अलाइंड हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपका व्हील अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। तो वंस स्टेयरिंग कम्प्लीटली अलाइंड हो गया, आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों स्टॉप का सिग्नल आ गया, इसका मतलब कम्प्लीट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे का दो व्हील का बैलेंसिंग। यहाँ पे जो भी रेड में दिखा रहा है दोस्तों, वो आपका व्हील बैलेंस नहीं है, और जो भी जिसको ग्रीन में आपको सेट करना पड़ेगा व्हील को बैलेंस करके। तो बेसिकली जैसे आपको कमांड मिलेगा कंप्यूटर सिस्टम से, वैसा ही आपको व्हील अलाइनमेंट करना पड़ेगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस सेटिंग करके आपको देखना पड़ेगा कौन सा लेफ्ट साइड में कितना प्रॉब्लम है, राइट साइड में। देखिए दोस्तों आगे में और पीछे में, और नीचे में जो मैकेनिक है अंदर जाके साइड से आपको जो व्हील का कंप्लीट व्यू मिल जाएगा, वहाँ से आप कुछ सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है बेसिकली कम्प्लीटली जो कि 3D व्हील अलाइनमेंट, जहाँ पे कि आपको चार अलग अलग व्हील में पैनल लगा जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के जरिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए में। और ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपके पास कार है, ताकि व्हील अलाइनमेंट करें, ताकि जो कि व्हील है उसके लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा, जो कि आपका टायर है उसके लॉन्जिविटी बढ़ जाएगा और आपका टायर ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, ताकि आप हमारे चैनल में नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेंडिंग वीडियोस हर दिन देख सकें। दोस्तों थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।